यहाँ पर ये जो बर्फ जमी हुई थी निकल रही आज, अभी मैंने रखा है इसको नीचे, तो ये पिघल जाएगी ना तो फिर जालियाँ जो है ना वो धो के अंदर लेके चलती हूँ। इतनी मुश्किल से 2 दिन के बाद ये वाली जो है ना बर्फ निकली है। ये चलाइए ये हो गया, अब इसको धो के तो लगाती हूँ साफ करके अंदर। यहाँ पर सब्जी काटनी है मैंने, ये ले आई गोभी, अदरक, मिर्ची, टमाटर, प्याज और लहसुन मैंने कब बना के ना फिर रखती हूँ सालन ऊपर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है, मगरब से पहले ही आज ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। इतना सुबह से स्मोक जो है ना दिन चढ़ा ही नहीं, जैसे धूप निकली नहीं है, स्मोक स्मोक की वजह से ना गला मेरा भी ख़राब हो गया। और फातिमा कह रही मम्मा मेरा भी गला ख़राब हो गया, मैंने कहा मास्क लगा लो आप। यहाँ पर जी गोभी मैंने काट ली है, मुझे तो थोड़ी लग रही है, आधा किलो थी। और ये टमाटर, प्याज, अदरक और जबर मिर्च और लहसुन, वैसे लहसुन और अदरक तो मैंने कल करके रखा था ग्राइंड, मैंने कहा चले अब यही डालती हूँ बना के फ्रेश, वो जल्दी जल्दी जब होगी ना तब इस्तेमाल किया करूँगी। तो यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ अंदर और बनाती हूँ चिकन और गोभी का सालन। और मौसम जो है ना वो बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसे है जैसे बिल्कुल रात हो गई है। देखें सुबह से यही काम है, मैं गई थी तो ऐसे लग रहा था मेरी आंखों में जैसे जलन हो रही है, रात ही है। और यहाँ पर मैंने कपड़े सुबह धोए थे, बेटे ने कल जाना है ट्रिप के ऊपर तो उसका यूनिफॉर्म है, और ये चादरें फातिमा ने रात को ना पीछे कर दी थी, मुझे वहम हो गया, मैंने धोनी धो दी सुबह उठ के। तो चले जी चलते अंदर और बनाती हूँ मैं खाना रात का। ये यहाँ पे ये गाड़ी हो गई है सेल, तो ये अभी तक जिनको की है वो मेरे घर लेने ही नहीं आए, तो ये गाड़ी चले जाएगी ना रिक्शा हमारा इधर आ जाएगा इस साइड पे। और यहाँ पे मैं अपनी कुकिंग किया करूँगी, आज मैं सोच रही थी मैंने कहा हो सकता है बाहर ही करने से काम मेरा चैनल जो है ना ग्रो कर जाए, चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो मुझे टेंशन हो रही है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया, नज़र ही लग गई है मुझे तो लगता है किसी की। ये देखो मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ख़राब है। तो चलें ये लेके चलती हूँ अंदर और जाके बनाते हैं। पहले मेरा दिल कर रहा है मैं गोभी ले आऊँ और जाकर, फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं मैंने जाना, मैं यही बनाती हूँ। यहाँ पर भी चाय पक रही है, चाय मैंने रख ली फ्रिज पर पकने के लिए, और मैं फ्रिज की वो धो के आई हूँ सारी, ऐसी जो जालियाँ ना वो बाहर पड़ी थी ये इसी टाइम धो रही थी, 2-3 बाली थी वो धो के आई हैं, बर्तन मैंने वाश किए हैं। और यहाँ पे चिकन और गोभी भी होते रख दिया मैंने, तो जैसे मसाला तैयार होगा पहले चिकन भी लूँगी फिर बाद में गोभी डालूंगी, वो भी इतनी सी रस बनी है और हमारा मसाला तैयार हो रहा है। यहाँ पर मसाला हमारा हो गया तैयार, ये देखें इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी तो ये हो जाएगा मिक्स। ये है इसका वेट लगाने का फ़ायदा कि मसाला हर चीज ज्वाइंट हो जाती है। तो मैं इसमें डालूंगी चिकन, चिकन मैंने पहले ही धो लिया था, ये देखें ये है आधा किलो चिकन, ये मैं डाल देती हूँ भी हमारी अभी फ्रीजर में पड़ी हुई है, दोपहर में गर्म की थी तो अभी एक डब्बा भरा हुआ है, यही जो है फ्रीज पर ऐसे ये आहिस्ता आहिस्ता से ना वो पक्का भी निकाल भी जाएगा और भून भी जाएगा। तब तक मैं अपनी चाय बनाऊंगी, अगर पी लूँ थोड़ी सी बनी थी, फातिमा ने अपने रोले डालने, मामा मुझे भी दो मुझे भी दो, मैंने कहा नहीं ये मैंने पीनी है, दूर आएगा तो फिर मैं दूंगा, तो चले भाई चलते पीते हैं अभी तब तक हमारा जो चिकन हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी बिल्कुल अंधेरा हो गया और मौसम जो है ना बिल्कुल ख़राब है, ऐसे जैसे बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होगी, वैसे ये स्मोक की वजह से हुआ है। मैंने कहा बाहर देखते हैं, बाहर गली के हालात चेक करते हैं, वैसे तो आपको पता है हमारी गली बिल्कुल सुनसान होती है लेकिन कभी कभी बाइक जो है ना वो गुजर ही जाती है। वो देखें ये यहाँ पर ये देखें चेक करें ना, इधर दोपहर दिन शाम कोई आपको बंदा नज़र नहीं आएगा, दूर दूर से ही आएगा जो जा रहे हैं। तो मोटर मैंने चलाई हुई थी, मोटर करने आई थी बंद,
मोटर भी बंद करके, ये देखो ऊपर के हालात चेक करें, ऐसे है जैसे। हाँ जी, वो सामने हमारी चुड़ैल बैठी हुई फातिमा मोबाइल देख रही है। मुँह में मास्क डाला हुआ, मैं आ रही हूँ। ये मैंने अभी अभी धो ली थी, ये वॉश कर ली थी, मैंने कहा सूख जाएंगी, तो ये सालन के बाद ना मैंने फ्रिज की सफाई करनी है। खाना तो मैंने कल ही साफ कर दिया था ऊपर वाला। और ये बर्फ चेक करें हमारी जो पिघली हुई पड़ी हुई है। अभी बाहर की लाइट नहीं जलाई थी, मोटर कर दिया मैंने बंद। सुबह उम्र ने जाना है ट्रिप के ऊपर, तो अल्लाह खैर करे कल आएगा रात में वापस। सुबह कह रहा 5:30 बजे मम्मा तैयार हो के ना इधर घर से जाना है, तो वो ये पास ही उसका स्कूल है, बस आ जाएगी ना तो वो चले जाएंगे। सुबह 5:30 निकलना है इन्होंने, सारा दिन इन्होंने फिर ना इनका ट्रिप जो है ना रहना है उधर ही, 3-4 जगहों पर जाना है, तो फिर रात को वापसी होगी। तो फातिमा देखें बैठी मोबाइल देख रही है। तो इसकी ना मोबाइल की रोशनी सही करनी पड़ती है, दो सारी लाइट चल रही है। आज फातिमा को मैंने नहाइयाँ महियाँ कराई थी तो साफ सुथरी हो गई थी, मतलब काली स्याह थी। एक तो मैंने खुद पी नहीं, मेरे सर में दर्द हो रही है। चलो मोबाइल दे दो चाय पी लो, मोबाइल दे दो चाय पी लो, काम दोनों करने, चाय भी पीनी और मोबाइल भी देखना है। वाह भाई वाह, मास्क लगा के दिखाओ, हाँ मास्क लगा के दिखाओ ना। दो बार ओ मास्क तोड़ दिया ना फातिमा, अब तेरा मैं करती हूँ बंदोबस्त, ठहर जा। सालन मैंने भूनना स्टार्ट किया, वह 10 मिनट हो गए। मैं कह रही हूँ अच्छी तरह से भून जाए तो फिर चिकन वो गोभी डालती हूँ। तो बेटा कह रहा है मम्मा आप सामियाँ बनाए दो, सामियाँ बनाने चिकन मैंने सारा इसमें डाल दिया। मैंने कहा अच्छा 2 बोटियाँ निकाल के ना दाल बना लेते हैं ना, 2 बोटियाँ निकाल के इसमें डाल के तो शामियों को बाद बना दूँगी। ये मैं दाल लेके आई थी शामियों के लिए, तो मैं ये भी काम करने लगी हूँ साथ ही। ये देखते हैं या मैं उसे कहते हैं जाकर ले आओ चिकन तो मैं बना लेती हूँ। ये फुल्कियाँ दही बने, ये कल का बेसन बचा हुआ था, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें बच जाती ना मैं डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। ये देखें इसमें भी मेरी चीज़ें बची हुई पड़ी हुई हैं, ये इसमें आ ही रहा इधर बाहर ही है। और ये जो मैं सेट लेके आई थी मैंने इधर रख दिया था, ये पड़ा हुआ है आगे करके। ये तो बर्तन बहुत ऊपर नीचे पिए हुए हैं, अच्छी तरह से बन गए ना, खुशबू बड़ी आ रही है। मैं दूसरे मसाले नहीं इतने डालती जितनी मैं प्याज लहसुन अदरक ये वाली जो चीज़ें थे ना ये भी डालती हूँ, जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो नहीं मैं डालती। ये देखिए अब वो भी डाल देते हैं इसमें, यहाँ पर भी सालन हमारा बिल्कुल गोभी गोश जो है ना भुन चुका है। ये देखें माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही, चाय ठंडी होगी दोबारा से गर्म करने स्टार्ट की, ये भी गर्म हो गई है। और इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको लगा देते हैं दम, और बाकी बाद में बनाएंगे वो भी तो फिर बनाएंगे। तो 2 बोटियाँ यहाँ पर निकाल के उसको थोड़ा बना के दूँगी शामियाँ। तो अब मैं ना चाय डाल के देती हूँ, ये ठंडी हो गई थी अब दोबारा गर्म किया, दूध थोड़ा सा था। ये हांडी के बाद मैंने कल में फ्रिज की सफाई करूँ, थोड़ा सा पानी शामिल करके लगा देते हैं दम। यहाँ पर जी वेट मैंने लगा दिया, अब 2-4 सेकंड ये हिलेगा तो फिर इसको बंद कर दूंगी और आपको अपने दिखाते हैं मियाँ मिट्टी। ये देखते हैं निकाल शोर, 2 पिंजरे कर दिए ना, लैदा लैदा कर दिया। एक नीचे वाले जो है ना इन्होंने 2 अंडे एक ने दिए और 1 अंडा एक ने दिया। एक लड़ाइयाँ झगड़े थे, जब मैं कहती हूँ ना चुप, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, चुप अभी तो हुआ नहीं कुछ भी। तो ये जी हमारी फ्रिज जो है, कल मैंने ये वाला खाना कर दिया था बिल्कुल साफ सुथरा, अब ये रह गया, इसको मैं करती हूँ साफ। ये कपड़े से कपड़ा देखें अंदर, ये देखें कितना गंद है, सारा साफ सुथरा करके तो लगाती हूँ डब्बे। आ रही हूँ फातिमा, ये कर लूँ बंद,
और इसकी करती हूँ सफाई, बाद में भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दी मैंने सारी फ्रिज साफ सुथरी कर दी है, सारे इसके कैबिन वगैरह वाश किए, इसको साफ सुथरा अच्छे तरह किया है। नंबर भी मैंने 5 पे ये कर दिए देखें, और ये मैंने कल ही कर लिया था खाना साफ, तो अब इसमें रखती हूँ मैं चीज़ें। ये देखें साफ सुथरा सारा मैं ये फ्रूट वाली बास्केट जो है ना ये बिल्कुल साफ हो गई है, तो अब इसमें रखती हूँ चीज़ें। नीचे से मारती हूँ वाटर। सालन भी हमारा हो गया तैयार ही, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई गोभी और गोश्त की। तो ये है फाइनल लुक इसकी, अब मैं इसको लगा दूँ जीरा डाल के थोड़ा हल्का सा दम। तो चले जी ट्रिक भी मैंने साफ कर ली, सालन भी बना लिया, तो अब दूसरी डिश शामी कबाब तैयार होने लगे हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को मैंने कर देना है, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।